नौरीन के ससुराल वाले तारीख का कह रहे हैं कि शादी की तारीख मुकर्रर कर लें, क्या सोचा आपने? बेटा मतालबा तो उनका भी गलत नहीं है, लेकिन सरबत आपा के इंतकाल के बाद तो मेरा दिल ही उठ गया है। निम्रा के दुख का भी अंदाजा है। मैं तो चाह रही थी कि उनसे थोड़ा वक्त और ले लें। चाहती तो मैं भी यही हूं अम्मा, तिमरा शादी में शरीक हो। सरबत आपा की निशानी है, कितनी प्यारी बच्ची है, उसका शिरकत करना भी लाजमी है। हारून से बात हुई आपकी? कब तक आ रहा है वो? हाँ बेटा, बात तो हुई थी। वो वहाँ पे कोई नया ऑफिस खोल रहा है, पता नहीं कोई नई ब्रांच वगैरह लॉन्च कर रहा है। ये सब बातें मुझे तो समझ में आती नहीं। इतना ज़रूर कहा उसने कि जल्दी आऊँगा। आपने निम्रा की दादी जान की वफ़ात के बारे में बताया हारून भाई को? नहीं बेटा, मेरा बच्चा परदेश में इतनी मेहनत कर रहा है, उसको ऐसी खबर मैं सुनाना नहीं चाह रही थी। बिल्कुल ठीक किया आपने अम्मा, ऐसा ही करना चाहिए था। काम में तुम डंडी मारती हो। शोर कैसा है? हारून से कह के ना तुम्हें मैं ठीक करवा शायद दूंगी। कोई बाहर आया है, मैं देख के आती हूँ। आप फिर से नहीं आई? क्या कहा तुमने? किस तरह बात कर रही हो मुझसे? ये मेरे बेटे का घर है, जब दिल चाहेगा आऊंगी, एक बार, 100 बार, और अगर दिल ने चाहा तो मुस्तकिल यहाँ पे आकर रहूंगी। तुम्हें क्या? और अगर दिल चाहा तो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकालने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। अरे मुलाजमा, क्या नाम है आजकल तुम्हारा? खाना बना है घर पे? जो भी बना है जल्दी से लेकर आओ, भूख लगी हुई है मुझे। मम्मा, मैं तो खाना बाहर से ऑर्डर करूंगी।